हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब घरों में बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रिल पनीर टिक्का की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैं दो तरीके से आपको बनाना दिखाऊंगी। एक तो ग्रिलर पे और दूसरा जो है गैस स्टोव पे। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे पास ग्रिलर नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, तो आज मैं दोनों तरीके से आपको बना के बताती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है देखते हैं। मैंने 2 चम्मच यहाँ पे बेसन ले लिया, इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो कि 1.5 बड़े चम्मच है। कस्तूरी मेथी मैंने ले लिया है। मैंने लेमन जूस भी रख लिया, लेमन जूस 1 बड़ा लेमन का जूस है। उसके बाद दूसरे मसालों पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक ले लिया है, या तो पिंक सॉल्ट ले ले, व्हाइट सॉल्ट ले ले, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। काली मिर्च, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और ये चाट मसाला। ये 1 कप के करीब दही था जिसका मैंने पूरा एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया, ऐसे एक क्लॉथ में बांध के हैंग कर दिया था, तो ओवरनाइट कर ले या 2-4 घंटे पहले कर ले हो जाता है। फिर कुछ वेजीज ले लिए, जैसे कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज। आपको दिख रहा है मैंने इसे किस तरीके से क्यूब्स में कट किया है, साथ में पनीर को भी बड़े क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। और टमाटर के जो होते हैं सीड, उसे मैंने रिमूव करके काटा है। अब हम चलते हैं बनाने के लिए। तो पनीर टिक्का में सरसों का तेल का यूज किया जाता है। उसके लिए हमें ना सरसों के तेल को पूरी तरीके से पहले उसे अच्छा बॉईल करना होता है, मतलब उसे स्मोकी टेस्ट आता है। इसलिए हमें पूरी तरीके से सरसों तेल को इस तरीके से अच्छे से उसे गर्म कर लेना है। जब उससे इस तरीके से स्मोक सा आने लग जाए फिर हमें उसे साइड में रख देना है, गैस मतलब से हटा के ठंडा होने के लिए। जो हमने पनीर जो जिसका एक्स्ट्रा वाटर सॉरी दही जो है ये इसका सारा पानी हमने स्क्वीज कर लिया था वो ले लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। आप चाहे तो फ्रेश ले ले, मेरे पास ये मार्केट वाला जो होता है वो है। सारे मसाले जो हमारे थे हमने इस टाइम पे स्टेज पे मिक्स कर दिया, और ये भी बहुत ड्राई है, आपको दिख रहा है ना। तो हमें थोड़ा सा पानी लगेगा तो हम पानी भी डालेंगे, लेकिन पहले हम ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद हम पानी की अगर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी जब हम पानी डालेंगे। तो अभी ये मेरा मसाला बहुत ज्यादा ड्राई सा दिख रहा था, तो मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल सॉरी वाटर डाला, और जो हमने ऑयल को वहां पे स्मोक करके रखा हुआ था सारा का सारा ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया। ऑयल थोड़ा सा ठंडा करके मैंने डाला है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है इस वक्त मेरा ऑयल। फिर भी हम स्पून से इसे अभी मिक्स करेंगे। ऑयल डालते से ही देखिए ये बैटर थोड़ा सा लूज हो गया, मतलब अच्छा मॉइस्ट हमें ऐसे ही चाहिए। इसीलिए मैं कह रही थी कि पहले हम पानी नहीं डालेंगे, पहले हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमारा बैटर हो गया है बन करके तैयार। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियां डालने में सबसे पहले जो है हमें सारी सब्जियां डालना है। पनीर हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि पनीर बहुत डेलिकेट होता है, जब हम उसे मिक्स करते हैं तो पनीर हमारा टूट सकता है। इसलिए हम पहले उसमें सारी सब्जियां ऐड कर देंगे, जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम, अनियंस, ये सारे के सारे ऐड करके एक अच्छा मिक्स दे देंगे। और जब भी हम बैटर रेडी करते हैं ना और हम सब्जियां ऐड करते हैं, उससे पहले आप इस मसाले को जरूर टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि नमक मिर्ची आपको कुछ भी ज्यादा या कम लगे तो उस स्टेज पे हम उसमें ऐड कर सके नमक या मिर्च। तो मैंने इस मसाले को प्रॉपर टेस्ट कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट बना था। अब हम इसे पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। बहुत सॉफ्ट हैंड से इसे हम मिक्स करेंगे, बहुत ध्यान से। आपको दिख रहा है ना, मैं बहुत हल्के हाथों से उसे मिक्स कर रही हूँ। हमारा ये मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप बाहर भी रख सकते हैं बट फ्रिज में रख दें 30 मिनट्स के लिए। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने करके इसे फ्रिज में मैंने रख दिया था। अब हम आधे घंटे बाद आते हैं। आधे घंटे बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और मेरे पास इस तरीके के रॉड्स है, इसे ग्रिल रॉड्स भी कहते हैं, मार्केट में बहुत ही आसानी से आजकल हर जगह मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्टील वाला लिया है। आप लकड़ी के भी मिलते हैं, लकड़ी वाले वन टाइम यूज का होता है, अपने इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना है फिर आप इसे लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए एक अच्छा वाला लिया है स्टील वाला, ताकि मैं इसे यूज कर धो के यूज कर सकूं बार बार। अब मैंने कैसे इसमें लगाया आपको दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए सारी सब्जियां लगाई हैं, जैसे कि पहले मैंने कैप्सिकम लगा दिया और फिर अनियन, टोमेटो, एक पनीर। तो थोड़ी थोड़ी गैप पे ही हमें बहुत पास पास चिपका के ना नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इसे ग्रिल करेंगे ना तो कई बार होता क्या है कि वो अच्छे से ना पकते नहीं है, उसका उसे मॉइस्चर बना रह जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ी गैप पे हमें करना है। मैंने इस तरीके से सारे कबाब सीक्स को कंप्लीटली रेडी कर लिया है। मेरे पास इस तरह का ग्रिलर है, सैंडविच मेकर है मेरा, ग्रिलर भी है ये, तो मैं इस पे ग्रिल करके आपको दिखाऊंगी।
तो उसके लिए मैंने इसे पहले गर्म करके रख लिया था। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल से एक बार अच्छे से ले रही हूँ, थोड़ी सा मस्टर्ड ऑयल लगा दूंगी, थोड़ा सा फैला दूंगी। नॉन स्टिक है तो इसमें बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ब्रश की हेल्प से बस थोड़ा सा ही यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ। उसके बाद हम इस पर एक एक करके सारे के सारे जो हमने वहाँ पे सीख तैयार करके रखा हुआ है वो प्लेस कर देंगे। तो मैं आपको आज गैस पे भी दिखाने वाली हूँ और ग्रिलर पे भी दिखाने वाली। तो फर्स्ट मैं आपको ग्रिलर पे दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको गैस पे बताती हूँ। हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया सरसों का तेल। अब मैंने इस तरीके से सारे ग्रिलर को इस तरीके से प्लेस कर दिया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखा है मैंने, बहुत पास पास नहीं रखा है ताकि बहुत अच्छे से सिक जाए। और इसे मैंने ग्रिलर को हाई, पूरे इसका पूरे हाई जो था मैंने हाई पे इसे करके रखा हुआ है इस वक्त पे, तो ताकि ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए और अच्छे से ये ग्रिल हो जाए। और मैं दूसरा आपको गैस स्टोव पे दिखा देती हूँ। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन किया और डायरेक्ट गैस के फ्लेम पे इस तरीके से आपको धीरे धीरे घुमाते हुए, पहले तो इसे थोड़ा सा हमें इसका मॉइस्चर पहले वो ड्राई हो जाए इस तरीके से पहले हम इसे कुक कर लेंगे। तो जल्दी लिए हम इसे थोड़ा सा मूव करते हुए इसे पहले एक बार पका लेंगे। ये देखिए ये वाला बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट गैस फ्लेम पे जाता है, तो इससे स्मोकी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से बनाना, बहुत ही अमेजिंग बनता है। गैस वाले तो और भी इजी लगता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपके पास इस तरह की सीख नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि नॉन स्टिक तवे पे डायरेक्ट उसे फैला के भी आप पका सकते हो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है इसके ऊपर लगा दिया है ताकि इसे और अच्छी इसकी ग्रिलिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आ सके। लेकिन जब इसका मॉइस्चर थोड़ा सा सूख गया था तब मैंने इस पे ऑयल अप्लाई किया है। अब मैं उधर पे मैंने इधर सेक लिया, इधर दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने एक बार टर्न कर लिया था, तो टर्न करने के बाद कुछ ये ऐसा दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, हमें इसे चारों साइड से बहुत अच्छे से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। कुछ इस तरह का इफेक्ट हमें चारों साइड से आने चाहिए। हमें तब तक इसे घुमाते घुमाते अच्छे से सेकना है चारों साइड से। और गैस वाला, आइए हम देख लेते हैं गैस वाला हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये देखो दोस्तों, है ना, आ गया ना मुंह में पानी, बहुत ही मजे की बनी थी। तो आप भी इस तरीके से गैस स्टोव पे भी बना सकते हो, ग्रिलर है तो आपके ग्रिलर पे भी बना सकते हो, ओवन में भी बना सकते हो, चॉइस आपकी है। मैंने यहाँ पे आज आपके साथ दो तरीका शेयर किया, जो सबसे इजी तरीका है वो शेयर किया है। तो ये जब तक ये इस तरीके के स्पिन थोड़ा जला सा या कह सकते हैं स्मोकी ना दिखने लग जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो हमारे सारे के सारे जो ग्रिल पनीर टिक्का है वो बन करके हो गया है तैयार। तो इसे चलते हम डिस आउट कर लेते हैं। ये दिख रहा है इस पे इसकी ग्रिलिंग के इफेक्ट कितने अच्छे आए हैं, ये बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपको ग्रिलर पे से उतार के आप थोड़ा सा गैस स्टोव पे रोटेट करते हुए पका लेंगे तो और अच्छा लगता है खाने में।